क्या आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत है? आप बहुत दिनों से ट्राई कर रही हो लेकिन कंसीव हो नहीं पा रहा है, ऐसी कुछ समस्या है तो डरिए नहीं, होम्योपैथी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश सूर्यवंशी, आपका होम्योपैथिक मित्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम इनफर्टिलिटी के बारे में जानेंगे। इनफर्टिलिटी एग्जैक्टली होती क्या है, इसके कारण क्या है और इसका साइकोडायनेमिक क्या है, होम्योपैथिक उपचार इसके लिए क्या है और इसकी एक ब्यूटीफुल केस इस वीडियो में देखेंगे। इनफर्टिलिटी यानी एक ऐसा डिजीज कंडीशन जिसमें एक कपल 12 महीने से अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है लेकिन तभी भी कंसीव कर नहीं पा रहा है, ऐसे कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब ये इनफर्टिलिटी के कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? जब आपकी उम्र 37 ईयर्स या इसके ऊपर है, आप लगातार 6 महीने से अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं कंसीव होने के लिए, लेकिन तभी भी आप कंसीव कर नहीं पा रहे हो। वैसे ही अगर पुरुषों में ये स्पर्म्स का प्रॉब्लम है या स्पर्म इजैक्युलेशन जल्दी हो रहा है, तभी भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वैसे ही पुरुषों में अगर टेस्टिस का साइज बहुत कम है या स्क्रोटम में कुछ स्वेलिंग है, तभी भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वैसे ही महिलाओं में अगर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें इरेगुलरिटी आ गई है या अमेनोरिया आ गया, यानी आपके जो पीरियड्स है वो रुक गए हैं, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वैसे ही अगर कुछ फैमिली में इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है, तभी भी आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वैसे ही अगर आप कैंसर जैसे जो भयंकर डिजीज है उससे पीड़ित हो, या आपको कीमोथेरेपी या रेडिएशन ऐसी कुछ ट्रीटमेंट चल रही है, ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण है, तभी भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आपके फैमिली हिस्ट्री में या आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तभी भी इन महिलाओं को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। अब हम मेल्स के और फीमेल्स के एग्जैक्टली कुछ कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, ये देखते हैं। पहले हम फीमेल्स के बारे में जानेंगे। फीमेल्स में ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके वजह से ये कंसीव कर नहीं पाते? तो पहला कारण ऐसा है कि अगर 30 से ऊपर की उम्र जैसे होने लगती है तो इनकी इनफर्टिलिटी की जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि ये एज में जितने नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होने चाहिए उतने होते नहीं है और उनकी एग की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होती नहीं है और इसके वजह से ये फर्टिलाइज हो नहीं सकते। सेकंड, अगर ये वुमन समझो इनको जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो गया या डैमेज हो गया, तो स्पर्म्स जो इम्प्लांट होने वाले हैं यूट्रस में वो हो नहीं सकते और इसके वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। बहुत सारे महिलाओं में फाइब्रॉइड की शिकायत होती है जिसके वजह से ट्यूब्स में, ओवरीज में या यूट्रस में प्रॉब्लम आ सकते हैं, और वैसे ही बहुत सारी महिलाओं में सिस्ट का प्रॉब्लम होता है, इसके वजह से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सारी महिलाओं में आजकल मैं देखता हूँ PCOS या PCOD ऐसी हार्मोनल डिस्टर्बेंस के वजह से आने वाली डिजीज है। वैसे ही हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया यानी प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जिसके वजह से ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस होता है, वो अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ये ओव्यूलेशन में तकलीफ देता है, इसके वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। बहुत सारी हमारी महिलाएं जिनको थायराइड की शिकायत होती है यानी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है या हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ये दोनों कंडीशन में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ही एंडोमेट्रियोसिस के वजह से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जो टिश्यूज होते हैं ये यूट्राइन वॉल के बाहर ग्रो होने लगते हैं और इसके वजह से यूट्रस, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब को बाधा आती है जिसके वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है। वैसे बहुत सारे महिलाओं में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का प्रॉब्लम आता है और इसके वजह से इनफर्टिलिटी की शिकायत आती है, एपेंडिसाइटिस। वैसे ही एब्डोमिनल का कुछ इन्फेक्शन होने के बावजूद
इनको ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती रहती है। वैसे ही बहुत सारी महिलाओं में जब ये कुछ एब्डोमिनल सर्जरी होती है तो ये जो स्कार टिश्यू है वो ऑर्गन से चिपक जाते हैं और ये भी एक कारण इनफर्टिलिटी का होता है। वैसे कैंसर से पीड़ित या कैंसर की कुछ दवाई चल रही है या रेडिएशन या कीमोथेरेपी चल रहा है, ये भी एक कारण महिलाओं में इनफर्टिलिटी का हो सकता है। अब हम मेल्स के कुछ इनफर्टिलिटी के कारण देखते हैं। जैसे कि अगर मेल्स की उम्र 40 साल या 40 साल के ऊपर होने लगे तो फिर इनफर्टिलिटी की शिकायत आ सकती है, क्योंकि उनके जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है या उनका जो स्पर्म काउंट है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। वैसे ही जो मेल्स में कुछ स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्म फंक्शन में प्रॉब्लम आती है, जिसका एक कारण है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, यह कारण इनफर्टिलिटी का भी हो सकता है। वैसे ही कुछ जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं और कुछ ऐसे डिजीज जैसे कि डायबिटीज, इसके वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। कुछ ऐसे इन्फेक्शन जैसे ही गनोरियल या HIV, ऐसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन डिजीज होते हैं उसके कारण भी ये इनफर्टिलिटी की शिकायत आ सकती है। कुछ जो मेल्स होते हैं उनमें जो टेस्टिस ब्लॉकेज हो जाती है, ये भी एक कारण इनफर्टिलिटी का है। तो कुछ पुरुषों में ये जो उनकी वेंस होती है, ये इनमें एक डायलेटेशन आ जाता है जिसको हम वेरिकोसिल कहते हैं, ये भी एक कारण इनफर्टिलिटी का है। जो मेल्स ओवर एक्सपोजर होते हैं पेस्टिसाइड्स को, केमिकल्स को या ओवर हीट को, ये भी एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का। वैसे ही बहुत सारे पुरुष ऐसे भी होते हैं कि जो हमेशा दारू पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं, यह भी एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का। अगर उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इंजरी हो जाए या डैमेज हो जाए तभी भी इनको इनफर्टिलिटी की शिकायत आ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कुछ कारण हैं जिसके वजह से मेल्स या फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की शिकायत आ सकती है। आपको क्या करना है, आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं। जैसे कुछ महिला जो प्रेग्नेंट है या कंसीव करना चाहती है वो दारू ना पिए, वो शराब ना ले, क्योंकि शराब लेने से मिसकैरेज का प्रमाण बढ़ सकता है, ये हानिकारक है। वैसे जो पुरुष बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में दारू ले लेते हैं, ऐसे पुरुषों में स्पर्म काउंट बहुत कम होता है और उनकी मोटिलिटी स्पर्म की बहुत कम हो जाती है और इसके वजह से शराब एक इनफर्टिलिटी का कारण है। जो लोग टोबैको का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनमें भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। जैसे कि फीमेल्स अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो फिर मिसकैरेज की शिकायत आ सकती है। जो एग्स बनते हैं वो उतने अच्छे क्वालिटी के बनते नहीं हैं और इसके वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। पुरुषों में जब ये टोबैको लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तब इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और जो स्पर्म का प्रोडक्शन जितना होना चाहिए, जितना नंबर होना चाहिए, ये नंबर घट जाता है, ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण है। वैसे ही बहुत सारी महिलाएं या पुरुष आजकल सेडेंट्री लाइफ जीते हैं। इस सेडेंट्री लाइफ जीने की वजह से उनका वजन बढ़ने लगता है। जो अच्छा खाना चाहिए वो खाते नहीं है, कुछ अलग खाते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर और ओवर वेट होने लगते हैं, ये भी एक कारण इनफर्टिलिटी का है। जो महिलाएं और पुरुष ओवर वेट होते हैं और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इनको अलग अलग डिजीज़ भी होते हैं, इन अलग अलग डिजीज़ के वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। वैसे जो महिलाएं बहुत ही स्टर्नस एक्सरसाइज करती है, लो कैलोरी डाइट लेती है या डाइट रेस्ट्रिक्शन करती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे महिलाओं में भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। जो अंडरवेट है, जो ओवरवेट है, ऐसे पुरुष या महिलाओं में भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर हमें लेने चाहिए जिसके वजह से हमें इनफर्टिलिटी का सामना नहीं कर पड़ सकता है। वैसे ही ऐसे होम्योपैथी में कुछ दवाई है जिसके वजह से इमोशनली जब आप डिस्टर्ब होते हो तब इस इमोशनल डिस्टर्बेंस के वजह से इनफर्टिलिटी की चांसेस हो सकती है।
तो ये इमोशनल डिस्टर्बेंस होम्योपैथी से करेक्ट किया जाता है, आपको बैलेंस किया जाता है और फिर आप इजीली कंसीव होते हैं। होम्योपैथी में साइकोडायनामिक एक महत्वपूर्ण चीज़ है। ये एक्चुअली साइकोडायनामिक होता क्या है? साइकोडायनामिक यानी आप प्रेजेंट परसिस्टेंट और प्रीडोमिनेंटली जिस बारे में विचार करते हैं वो बात आपके मन में कुछ निगेटिव असर पैदा कर देती है और उस निगेटिव जो इम्प्रेशन है उसके वजह से निगेटिव एनर्जी आती है और उसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ डिजीज़ उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। इनफर्टिलिटी के बारे में भी ऐसा ही कुछ होता है। उदाहरण के तौर पर अगर ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम है तो इसका एक कारण ऐसा है कि इनके जो पार्टनर है, इनके पार्टनर ने उनकी जो पत्नी है या फीमेल पार्टनर है उसको बुरी तरीके से एडमोनिश किया है, कुछ भला बुरा कहा है या उसको कीमत नहीं दी है, उसको तुच्छ लिखा है। ऐसी महिलाएं जब हर्ट हो जाती है तब इनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है ओवेरियन डिसफंक्शन की वजह से। वैसे ही बहुत सारी महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होती है या डैमेज होती है। इसका साइकोडायनामिक ऐसा होता है कि ये जो महिला होती है इनकी प्रीवियस हिस्ट्री, इनके ऊपर कभी तो रेप हुआ होता है या वायलेंट सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ होता है, तो इसकी वजह से इनमें ये फैलोपियन ट्यूब जो होती है इनकी प्रॉब्लम आ सकती है, ये ब्लॉक हो सकती है। वैसे ही बहुत सारी महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम आता है और ये एंडोमेट्रियोसिस का साइकोडायनेमिक ऐसा होता है कि ये जो महिला होती है ये ऐसा विचार करती है कि इस माहौल में मैं अगर बच्चे को जन्म दूँ तो इसकी परवरिश ठीक से हो नहीं पाएगी क्योंकि घर का माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ रिलेशंस ब्रेक हो चुके हैं और ऐसे वातावरण में मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत हो सकती है। वैसे जिन महिलाओं में पेनफुल पीरियड्स आते हैं समझ लेना वो महिला हमेशा ऐसे विचार करती है कि मुझे बच्चा हो वो भी मेल चाइल्ड हो, तो ये मेल हार्मोन बैडली मैनेज होते हैं उसके वजह से इनको पीरियड्स में बहुत दर्द होता है। वैसे जिन महिलाओं में सर्वाइकल प्रॉब्लम है यानी सर्विक्स का कुछ प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से इनफर्टिलिटी आती है, तो सर्विक्स का प्रॉब्लम तब होता है जब पार्टनर में कुछ अफेक्शन होता नहीं है, प्यार नहीं होता, कुछ लगाव नहीं होता, रिलेशन कम्प्लीटली ब्रेक हुए होते हैं, कम्प्लीटली इनडिफरेंट एक दूसरे के प्रति हुए होते हैं, सेक्सुअल बहुत एकदम एब्सटिनेंस हुआ होता है, एग्जॉशन हुआ होता है, तब इनमें सर्वाइकल का प्रॉब्लम यानी सर्विक्स का प्रॉब्लम आ सकता है। अब मैं आपको यहाँ एक केस बताता हूँ। बहुत साल पहले मेरे पास एक महिला आई थी, यानी उस महिला को देखते ही आप ऐसे मन में आपको लगेगा कि ये बहुत ही अच्छी संस्कारिक महिला है। उसके साथ उसका पति भी आया था। मैंने दोनों के रिपोर्ट्स देखे तो दोनों के रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, तभी भी इनको बच्चा नहीं हो रहा था। जब मैंने इनकी हिस्ट्री पूछी तो उस महिला ने कहा कि डॉक्टर साहब एक्चुअली देखा जाए तो मेरी जब से शादी हो गई तब से मैं घर का सब काम ठीक से करती हूँ, कोई परेशानी नहीं है, मैं मेरे सास ससुर घर के सब सदस्य का अच्छा ख्याल रखती हूँ, इनका भी ख्याल रखती हूँ, लेकिन आजकल मैं उतना ख्याल रखती नहीं हूँ। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि मैंने इनको इतना समझाने के बावजूद भी ये रोज़ रात को शराब पी के आते हैं, मुंह में हमेशा इनका तंबाकू होता है, तो मैंने इनको समझाया गलत आदतें छोड़ दो, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं और मुझे उल्टा डरा धमका रहे हैं, मुझे कुछ बुला भरा बुरा कहते हैं। जब कुछ दिनों बाद मेरे सास ने मुझे पूछा कि इतने दिन हो गए तो अब हमें कुछ बच्चा दे दीजिए, लेकिन ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति इस बहू ने जब इसके सास को कहा कि आपके जो बेटे हैं इनको ये गलत आदतें हैं इसकी वजह से मेरा मन नहीं करता इनसे रिलेशन रखो, तब इस सास ने उस महिला को यानी उस बहू को कुछ भला बुरा कहा
और उसके ही मोरालिटी के ऊपर शक पैदा किया। तब ये महिला बहुत दुखी हो गई, भड़क उठी। जो घर का पहले सब काम करती थी, सबका आदर सत्कार करती थी, अब एग्जैक्टली अपोजिट बिहेवियर इसका हो गया है, जिसको हम इम्बेसिलिटी निगेटिविज्म कहते हैं। इस महिला को मैंने इग्निशिया या होम्योपैथिक रेमेडी प्रिस्क्राइब की। इसके बाद इसको सेकेंड मंथ में ही बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट आ गया और वो था वो कंसीव हो गई। जब ये महिला डिलीवरी हो गई तो होम्योपैथी का चमत्कार देखो, इसको ट्विंस हो गया और यही होम्योपैथी का चमत्कार है। होम्योपैथी में कुछ ऐसे बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो इस इनफर्टिलिटी में बहुत ही उपयोगी है, जैसे कि नाइट्रोमोर, इग्निशिया, स्टाफिसाइग्रिया, एलोज, ये बहुत ही अच्छी अच्छी रेमेडीज है। उदाहरण के तौर पर अगर इग्निशिया आप लेडी के बारे में सोचेंगे तो ये मोरली बहुत सेंसिटिव होती है, घर का सब काम करती है, ड्यूटी कॉन्शियस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाती रहती है। लेकिन जब इसके मोरालिटी के ऊपर कोई शक पैदा करता है तब इसको बुरा लगता है और फिर वो एग्जैक्टली अपोजिट बिहेवियर करने लगती है। ऐसी महिलाओं को जब इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है तब इग्निशिया इसके लिए बहुत ही उपयुक्त रेमेडी है। वैसे ही नाइट्रोमोर जो महिला होती है वो बहुत ही ड्यूटी कॉन्शियस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह निभाती रहती है, लेकिन वो खुद को एक्सक्लूसिव समझती रहती है, खुद को एक डिग्निफाइड लेडी समझती रहती है। मेरे बगैर ये घर चल नहीं सकता ऐसे उसको लगते रहता है, तो मेरी यहाँ कुछ कीमत होनी चाहिए। लेकिन जब इसके ऑनेस्टी के ऊपर शक पैदा होता है, कोई इसके ऊपर उंगली दिखाता है, तब इसे अच्छा नहीं लगता, ये बहुत ही डीपली हर्ट हो जाती है। लेकिन ये किसको उल्टा जवाब दे नहीं पाती, बस उस आदमी से कटाकटा रहने लगती है। जो वो आदमी जिसने इसको दर्द दिया है उसके बारे में हमेशा सोचती रहती है, उस प्रसंग के बारे में सोचती रहती है। ऐसे लेडी को अगर इनफर्टिलिटी का इश्यू है तो नाइट्रोमोर उसकी सही दवा है। वैसे ही स्टाफिसाइग्रिया जो वुमन होती है, इनको अगर इनफर्टिलिटी का इश्यू है तो ये समाज में जाने से, पार्टी या फंक्शन में जाने से बहुत कतराती है, इनको डर लगता है, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो लोग पूछेंगे इतने दिन हो गए आप कंस्यूम क्यों नहीं हो पा रही हो। इससे बचने के लिए वो कहाँ जाती नहीं है, अपने मैके भी नहीं जाती। ऐसी महिलाएं स्टाफिसाइग्रिया से इनका इशू हल हो सकता है। वैसे एलोज जो महिला होती है, इनको ऐसे लगता है कि अगर मैं कुछ बोल दूँ, भले मुझ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैंने मेरा मुंह खोल दिया तो घर का जो माहौल है वो ख़राब हो सकता है, इसके वजह से वो कुछ बोलती नहीं है। और ऐसी महिलाओं को जब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है तो एलोज इसकी सही दवा है। यह दवा देने के बाद इनकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हल हो सकती है। वैसे सिकल कॉर, सेपिया ऐसे इम्पॉर्टेंट रेमेडीज है जो मिसकैरेज जिनका हो रहा है, बार बार जो एबॉर्शन करना पड़ रहा है, ऐसी महिलाओं को ये दवा से बहुत ही फायदा हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।